पर इस दिन प्रदेश के अत्यंत उर्वरा जनपदों में से एक अपनी विशिष्ट कलाकृति के लिए विख्यात अमरोहा जनपद के आप सभी भाइयों और बहनों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां गंगा के इस पावन तट पर गंगा घाट पर लगने वाला तिगरी मेला ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि आज वहां राज्य मेले के दर्जा को प्राप्त करके एक उत्सव के रूप में बदल रहा है। यही है डबल इंजन सरकार का कमाल। कभी उपद्रव और दंगों के लिए जनपद और क्षेत्र जाना जाता था, आज उत्सव के लिए जाना जा रहा है, महोत्सव के लिए जाना जा रहा है। सबका साथ और सबके विकास की पवित्र भावना के साथ शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, सुरक्षा का माहौल कैसे बनाया जाता है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है। नगर निकाय चुनाव इसी की एक परीक्षा है आप सबकी। आप लोगों ने राजीव तराड़ा और महेंद्र सिंह फड़नवंशी को विधायक बना करके भेजा। हमने यहां के परंपरागत प्रोडक्ट को जो आपके पूर्वजों की विरासत थी, आपने ढोलक बजा करके कला को एक नई ऊंचाई दी और हम लोगों ने माफियाओं के भी ढोलक बजा करके उनको रसाता लगाया। क्या सपा बसपा की सरकार के समय वो तमंचे वाली ही पहचान रहेगी? जो उन सरकारों के समय सपा और बसपा के लोगों के हाथों में रहता था, जिससे वे रंगदारी वसूली करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, व्यापारियों के मोहल्ले में जाकर के, बाजारों में जाकर के गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ लोगों में भय और दहशत पैदा करते थे, रंगदारी वसूली करते थे, सौदों का जो आतंक था, या फिर गंदगी और शांत मारती हुई गलियां थी, क्या ये यूपी की पहचान ये रहेगी या यूपी की पहचान तकनीकी दृष्टि सक्षम टैबलेट हाथ में लेकर के विकास और आधुनिक तकनीकी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर युवाओं के रूप में?